सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का पहली कक्षा में। तो कल के क्लास में क्या देख रहे थे हम? बारह कड़ी देख रहे थे। क्या देख रहे थे? बारह कड़ी देख रहे थे। क्या देखा? य से श्रुत। कौन सी बारह कड़ी देखी? य से श्रुत। तो सभी आप सभी ने लिखी है ना? बारह कड़ी लिखी है ना? अगर नहीं लिखी तो आज लिखो। ओके, तो आज क्या देखने वाले हैं? आज एक नया बाल गीत देखेंगे। क्या देखेंगे? बाल गीत देखेंगे। तो उससे पहले क्या करते हैं हम? डेली हर एक लेसन या कविता शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं? एक श्लोक बोलते हैं, है कि नहीं? आपको डेली सुबह जल्दी उठकर ब्रश वगैरह करके चाय या दूध पीकर फिर नहाकर क्या करने के लिए बोला है मैंने? हर रोज क्या करना है? भगवान के सामने माथा टेक कर एक श्लोक बोलना है कि नहीं? तो आज हम और एक नया श्लोक बोलेंगे। तो हाथ जोड़िए। ओके, ऐसे हाथ जोड़ना। हाथ कैसे जोड़ना? यहाँ से जोड़ना। यहाँ हमारा हमारी छाती रहती ना, तो यहाँ जोड़ना है हाथ। मतलब भगवान को हाथ से धन्यवाद देकर उसको प्रणाम करना है। तो आज एक नया श्लोक सीखेंगे। ओके, तो आंखें बंद करिए। ओके, तो बोलिए। नमो देवे महादेवे शिवाय संततये नमः। नमो देवे महादेवे शिवाय संततये नमः। नमो प्रकृते भद्राय। नमो प्रकृते भद्राय नियता प्रणतः स्मताम्। नियता प्रणतः स्मताम्। ओके, तो और एक बार बोलती हूँ। नमो देवे महादेवे शिवाय संततये नमः। नमो देवे महादेवे शिवाय संततये नमः। नमो प्रकृते भद्राय। नमो प्रकृते भद्राय नियता प्रणतः स्मताम्। नियता प्रणतः स्मताम्। ओके, तो आज क्या करेंगे हम? एक नया बाल गीत सीखेंगे। अभी भी श्लोक सीखा है तो एक हम बाल गीत देखेंगे। तो आपको पता है राजा? राजा मतलब क्या? राजा किसे कहते हैं? राजा मतलब किंग। एक बड़े से शहर का या बड़े से नगर का क्या होता है? एक राजा होता है। हमारे यहाँ कहाँ थे राजा? मैसूर में राजा थे, लेकिन कर्नाटक में पहले मैसूर में राजा थे, बाद में यहाँ मुधोल में भी थे, है कि नहीं? मुधोल में भी राजा थे। कौन थे यहाँ मुधोल में राजा? गोरपड़े थे, है कि नहीं? गोरपड़े संस्थान था हमारा यहाँ का, यहाँ मुधोल का। तो मुधोल संस्थान के गोरपड़े के राजा थे। यहीं पे जमखंडी में कौन थे? वहाँ भी पटवर्धन को क्या थे? राजा थे, है कि नहीं? पटवर्धन राजा थे वहाँ भी। तो राजा मतलब क्या? किंग। हमारे सभी प्रदेश की रक्षा करने वाला या हमारे सभी की ये निगाह रखने वाले राजा और उनके मंत्रीगण या उनके शासक लोग सभी क्या करते हैं? हमारी हमारे हमारे क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, है कि नहीं? हमारी सभी खुशहाली वगैरह सभी वो पूछते थे, जानते थे। कोई हमारे इसमें दुखी ना रहे, कोई ज़्यादा गरीब ना रहे, ऐसी वो सभी हमारी देखभाल करते थे, है ना? तो राजा मतलब किंग, सभी की निगाह रखने वाला, सभी जगह की। तो राजा मतलब किंग। राजा के बीवी को क्या बोलते थे? राजा के बीवी, राजा की पत्नी, उसको क्या बोलते हैं? रानी। क्या बोलते हैं? रानी बोलते हैं, है ना? राजा की बीवी को रानी बोलते हैं। और राजा के बेटे को क्या बोलते हैं? राजा का जो बेटा होता है उसको क्या बोलते हैं?
है तो राजकुमार, क्या बोलते हैं राजकुमार, है ना। और राजा की बेटी उसको क्या बोलते हैं, राजा के बेटी को क्या बोलते हैं, राजकुमारी, क्या बोलते हैं राजकुमारी बोलते हैं, कि नहीं। तो राजा क्या करते हैं, हमारे सभी की देखभाल करता है कि नहीं, मतलब सभी जगह घूम कर, सभी जगह जाकर, सभी जगह घूम कर क्या करते थे पहले पुराने जमाने में, हाँ हमारे प्रदेशों की वो निगाह रखते थे। हाँ तो राजा के बीवी को क्या बोलते हैं, रानी। राजा के बेटे को क्या बोलते हैं, राजकुमार। और राजा के बेटी को क्या बोलते हैं, राजकुमारी, है कि नहीं। तो वैसे ही इस हमारे बालगीत में एक राजा की कौन है, बेटी है, कौन है, राजा की बेटी है। तो वो क्या, उसको क्या हुआ है, वो दो दिन से बीमार पड़ी है, कितने दिन से, दो दिन से बीमार पड़ी है। हाँ तो राजा की बेटी अगर बीमार पड़ी है तो क्या होता है, मंत्रीगण आते हैं, ठीक है। तो पुराने जमाने में, तभी के जमाने में डॉक्टर वगैरह नहीं थे, तो तभी कौन थे, वैद्य थे, कौन थे, वैद्य। वैद्य मतलब क्या, आयुर्वेदिक सभी वो जमा करके क्या करते थे, जंगल में जाके जो बड़े बड़े पेड़ या छोटे 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 पौधे होते हैं, औषधि पौधे होते हैं, मेडिसिन होते हैं, वो क्या करते थे, वो जमा करके लाते थे। हाँ वो ला कर क्या करते थे, उसको क्लीन करके स्वच्छ धोकर क्या करते थे, उसको कूटते थे। हाँ ओखली वगैरह उसमें क्या करते थे, कूटते थे, और उसका रस निकाल के या उसके पुड़ियाँ बनाकर वो जो बीमार पड़ते हैं ना उनको क्या करते थे, वो खिलाते थे। आवाज के कारण राजा दो एक मानू नम ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶ ರಕ್ಷಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೌದಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ ಎಲ್ಲ ನಿಗರಾಣಿ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಹಾಂ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ರಾಜ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರೇ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ರಾಜನ ಮಗಳಿದ್ರು, ಆಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನು ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದು ಯಾರು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ. ಅವಾಗಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದು ಯಾರು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಯಾರು ಇರ್ತಿದ್ರು, ವೈದ್ಯಗಳು ಇರ್ತಿದ್ರು, ವೈದ್ಯ. ಹಾಂ ತೊ ವೈದ್ಯರು ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಜಂಗಲ್ ಒಳಗ ಕಡೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಔಷಧಿ ತಪ್ಪಲ ಔಷಧಿ ವನಸ್ಪತಿ ಅದು ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದು ಕುಟ್ಟೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ರಸ ತಗದ್ರು, ಔಷಧ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅದೇ ಗಿಡದ ತಪ್ಪಲ ಅದು ಒಣಗಿಸಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಪುಡಿ ಗಿಡಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಪುಡಿ ತೊಗೊರಿ, ಸಂಜೆನೆ ಒಂದು ಪುಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ತೊಗೊರಿ, ಸಂಜೆನೆ ಒಂದು ತೊಗೊರಿ, ಹಿಂಗ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದ ಔಷಧಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಯಾರಿದ್ರು, ಇವರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ವೈದ್ಯಗಳೇ ಇದ್ರು. ಅಭಿ ಭೀ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಅಭಿ ಅಭಿ ಕ್ಯಾ ಗುತ್ತೆ ಹಮ್ ಘರ್ ಮೇ, ಅಭಿ ಕೊರೋನಾ ಆಯಾ ಥಾ ತೊ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ಹಮ್ನೆ ಘರ್ ಮೇ, ಹಾಂ ಬಾಹರ್ ದವಾಯಿ ಭೀ ನಹೀ ದೇ ರಹೇ ಥೇ, ದವಾಯಿ ನಹೀ ಮಿಲ್ ರಹೀ ಥೀ ತೊ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ಹಮ್ನೆ, ಹಾಂ ಘರ್ ಮೇ ಜೋ सभी ये मसाले हैं ना, सभी घर में जो मसाले थे उसको क्या किया हमने, कूट कर उसका काढ़ा बनाकर पिया है, ठीक है। सुंट है, लौंग है, और ब्लैक पेपर है, दालचीनी है, बाद में लौंग है, वो सभी कूट कर क्या किया हमने, उसका काढ़ा बनाया, काढ़ा बनाकर हमने पिया है। वो भी एक प्रकार का औषधि हो गया है कि नहीं, वो भी एक प्रकार की क्या हो गई, औषधि हो गई। तो वैसे ही उस जमाने में कौन थे, वैद्य थे, ठीक है नहीं। तो वो क्या थे, वो क्या करते थे, दवाई बनाकर देते थे। तो राजा की बेटी को भी उस उन्होंने क्या किया, वैसे ही दवा बनाकर दी। बाद में वो क्या किया उसने, राजा की बेटी ने थोड़ी देर के बाद क्या किया, आँखें खोली। हाँ आँखें खोलने के बाद क्या किया, फिर अपने राजा से बोली, राजा मतलब उनके पापा से बोली, उनके बाबा से बोली, पापा। हाँ तो बाद में क्या किया उसने, हाँ खेलने के लिए आराम हो गया, तो खेलने के लिए वो भाग गई, है ना। तो ये है बालगीत तीन, क्या है ये, बालगीत तीन। तो क्या है बालगीत तीन, हाँ इसमें क्या है, गिनती भी है। हाँ एक तरफ
की तरफ राजा की बेटी की स्टोरी भी है, हाँ, एक तरफ गीते है, एक तरफ राजा की बेटी की क्या है कहानी भी है, तो उसको कैसे हुआ, क्या हुआ, उसको क्या खिलाया, क्या पिलाया, तो वो भी है। हाँ, बाद में एक तरफ गिनती, हाँ, गिनती मतलब क्या है, काउंट करना, नंबर्स काउंटिंग करना है कि नहीं, तो वो भी है आपको फर्स्ट टर्म में। तो इस बालगीत में क्या है, एक तरफ काउंटिंग भी है और एक तरफ ये गीत भी है, बड़ा अच्छा गीत है ये। तो एक बड़े राजा की बेटी, एक बड़े राजा की बेटी दो दिन से बीमार पड़ी, दो दिन से बीमार पड़ी, तीन संतरी दौड़े आए, तीन संतरी दौड़े आए, चार दवा की पुड़िया लाए, चार दवा की पुड़िया लाए, पांच मिनट में दवा बनाई, पांच मिनट में दवा बनाई, छह मिनट में दवा पिलाई, छह मिनट में दवा पिलाई, सात मिनट में आंखें खोली, सात मिनट में आंखें खोली, आठ मिनट में राजा से बोली, आठ मिनट में राजा से बोली, नौ मिनट में उठकर बैठी, नौ मिनट में उठकर बैठी, दस मिनट में भाग गई, दस मिनट में भाग गई, सब बच्चों को गिनती आई, सब बच्चों को गिनती आई। देखो इसमें एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ये क्या है, गिनती भी है, ठीक है नहीं, एक से दस तक गिनती है। तो ये पोएम अगर बालगीत पाठ किया तो सब बच्चों को गिनती भी आ गई, ठीक है नहीं। तो देखो एक बड़े राजा की बेटी, देखो ये कौन है, ये राजा है, एक बड़े राजा की बेटी, तो ये कौन है, राजा है ना, इसकी कौन है, ये बेटी है, कौन है, ये राजकुमारी है, ठीक है नहीं, राजा की बेटी, कौन है ये, राजा की बेटी। देखो कोसे कैसे सोई है, देखो एक बड़े राजा की बेटी है, कैसा राजा है, बहुत बड़ा राजा है ना, तो उसकी ये बेटी है, कितने दिन से बीमार पड़ी है, दो दिन से बीमार पड़ी है। देखो तीन संतरी दौड़े आए, एक दो तीन, तीन संतरी मतलब मंत्री दौड़े आए, हाँ, चार दवा की पुड़िया लाए, दवा की पुड़िया वो लाए है। देखो पांच मिनट में दवा बनाई, देखो ये तो नहीं है, वैद्य है, देखो यहाँ इसमें कूट कर क्या कर रहा है, वो अपनी दवा बना रहा है कि नहीं। देखो इस यहाँ पर पानी का ग्लास है, इसमें यहाँ पर ये पानी का ग्लास है, यहाँ पर क्या कर रहा है, वो इसमें कूट रहा है ना, दवाई क्या कर रहा है, उसमें कूट रहा है, इधर वाले मार्लिकता वहाँ दवाई मार्लिकता ना औषधि, हाँ, कुट कुट औषधि रस तगद ऐन मातर आके राजकन्या कुड़स्तर, राजा मगे ऐनमार कुड़स्तर। देखो दवा पिलाने के बाद छह मिनट में दवा पिलाई, दवा बनाने के बाद क्या किया, उसको दवा पिलाई, सात मिनट में आंखें खोली, आठ मिनट में राजा से बोली, देखो सात मिनट में आंखें खोली और आठ मिनट में राजा से बोली, नौ मिनट में उठकर बैठी, देखो नौ मिनट में यहाँ पे उठकर बैठी, और दस मिनट में भाग गई, दस मिनट में देखो यहाँ भाग रही है, मतलब आराम होने के बाद क्या किया उसने, खेलने जाने के लिए वो का क्या किया उसने, भाग गई। देखो यहाँ क्या क्या लिखा है, और सब बच्चों को गिनती आई, देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ये सभी क्या है, नीचे ये एक से दस तक गिनती है ना, देखो एक से दस तक गिनती है। देखो एक बड़ा राजा है, उसकी बेटी है, हाँ, कितने दिन से बीमार पड़ी है, देखो बीमार पड़ने के बाद आप क्या करते हो,
हाँ घर में लेटे रहते हो कि नहीं, घर में सोते हो, तो वो भी राजा की बेटी भी दो दिन से क्या करे वो सो रही है। तीन संतरे दौड़े आए, संतरी मतलब मंत्री, मंत्री लोग कितने दौड़े आए, वो राजा की बेटी अभी बीमार पड़ी है, उसका उसको क्या होगा, उसको आराम होगा कि नहीं, ऐसे भी ऐसे सोच के क्या करे वो संतरी लोग दौड़ कर आए हैं। चार दवा की पुड़िया लाए, दवा की चार पुड़िया लाए हैं, 5 मिनट में दवा बनाई, 5 मिनट में उसने क्या किया है वो वैद्य हकीम ने दवा बनाई है, बाद में 6 मिनट में दवा पिलाई, 6 मिनट में दवा पिलाई राजा की बेटी को दवा पिलाई। आपको भी अगर आराम नहीं तो क्या करते हो आप, डॉक्टर के पास जाते हो, है कि नहीं, तो उस जमाने में डॉक्टर वगैरह नहीं थे, तभी क्या वैद्य उसको क्या करना, उस औषधि को कूट कर रस निकाल कर उसका औषधि जैसे पिलाना, तो 6 मिनट में दवा पिलाई, 7 मिनट में आंखें खोली, मतलब 6 मिनट में दवा पिलाई, दवा पिलाने के बाद 7 मिनट में उसने क्या की आंखें खोली, आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगी। 8 मिनट में राजा से बोली, बाद में क्या किया उसने, वहां सामने राजा बैठा था उसके साथ वो बोली। 9 मिनट में उठकर बैठी, 9वें मिनट में क्या किया उसने, उठकर बैठी। आपको भी आराम नहीं होता तभी आप लेटे रहते हो, आप हॉस्पिटल जाके दवाई इंजेक्शन ये वो लेकर आने के बाद आप सोते हो, सोने के बाद क्या करो, क्या आपको आराम होने लगता है, आराम होने लगता है तो क्या करते हो आप, आपके मम्मी पापा से पूछते नहीं हो, ऐसे ही भाग जाते हो सीने के लिए, ठीक है नहीं, तो ऐसे ही वो भी 9 मिनट में उठकर बैठी, 10 मिनट में भाग गई, 10 मिनट में भाग गई खेलने के लिए, अपने सहेली के साथ खेलने के लिए, फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए क्या किया वो भाग गई। सब बच्चों को गिनती आई, सब बच्चों को इससे गिनती आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्या है, ये गिनती है, तो ये गाने के जरिए आपको गिनती भी आ गई है ना। तो अभी क्या करेंगे हम, ये लिखेंगे बाल गीत 3, बाल गीत 3, बाल गीत 3, तो अभी हम क्या करेंगे इधर 3-3 लाइन डालेंगे, नहीं हम लाइन नहीं डालेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, ओके। तो आपको क्या करना है, बस 3 लाइन में ही लिखना है, ओके। लिखो एक बड़े राजा की बेटी, एक बड़े राजा की बेटी, एक बड़े राजा की बेटी, दो दिन से बीमार पड़ी, दो दिन से बीमार पड़ी, बीमार पड़ी, एक बड़े राजा की बेटी 2 दिन से बीमार पड़ी, 3 संतरी 3
संतरी, संतरी मतलब मंत्री दौड़े आए, तीन संतरी दौड़े आए, चार दवा की, चार दवा की पुड़िया लाए, पुड़िया लाए, पांच मिनट में दवा बनाई, पांच मिनट में दवा बनाई, छह मिनट में, छह मिनट में दवा पिलाई, दवा पिलाई, सात मिनट में आंखें खोली, सात मिनट में आंखें खोली, मिनट में राजा से बोली, नौ मिनट में उठकर बैठी, नौ मिनट में सब बच्चों को गिनती आई, सब बच्चों को गिनती आई, सब बच्चों को गिनती आई। देखो इसमें क्या है, गिनती भी है और बाल गीत भी है, हाँ? तो लिखो जल्दी जल्दी। देखो, एक बड़े राजा की बेटी दो दिन से बीमार पड़ी, तीन संतरी दौड़े आए, चार गिनती आई। तो अभी क्या करेंगे, इस पार्ट में आए
इस कविता में आए हुए नए शब्द हम लिखेंगे। देखो नए शब्द, नए शब्द राजा, पहला है राजा। राजा मतलब किंग, राजा मतलब किंग। दूसरा है बेटी, दूसरा है बेटी। बेटी मतलब डॉटर। बेटी मतलब डॉटर। तीसरा है बीमार, बीमार, बीमार मतलब सिक। चौथा है दिन, दिन मतलब डे, डीवाई डे। पांचवा है दवा, दवा, दवा मतलब मेडिसिन। चार दवा की कुड़िया है। मेडिसिन सिक्स कौन सा है? आंखें, आंखें, आंखें मतलब आईज, आंखें, आंखें मतलब आईज। और सातवां है भागना, भागना मतलब भाग जाना। आयुन रन। देखो राजा मतलब गेम, मिनट मतलब मिनट। राजा किंग, बेटी डॉटर, बीमार सिक, दिन डे, दवा मेडिसिन, आंखें आईज, और भागना मतलब रन, भागना। अभी इधर क्या करेंगे हम, वो शब्द लिखेंगे। देखो वन ए ए, ए मतलब वन, ओ ए ए वन। दो, दो मतलब टू। तीन, तीन मतलब थ्री, तीन चार डबल ई थ्री। चार, चार मतलब फोर। पांच, पांच मतलब फाइव, पांच मतलब फाइव। छह, छह मतलब सिक्स। सात मतलब सेवन, एस ई वी ई एन सेवन। आठ मतलब एट, ई आई जी एस टी ए। नौ, नौ मतलब नाइन। और दस, दस मतलब टेन, टी ई एन टेन। देखो यहाँ क्या है नए शब्द में, पहले राजा किंग, बेटी डॉटर डी ए यू जी एस टी ई आर, बीमार ऐसा ऐसा के सिक, दिन मतलब डे, दवा मतलब मेडिसिन एम ई डी आई सी आई एन ई मेडिसिन, आंखें आईज, आंखें मतलब आईज। सातवां है भागना, भागना मतलब रन, टू रन। अभी एट, एट मतलब वन। दो मतलब टू। तीन मतलब थ्री। चार मतलब फोर। पांच मतलब फाइव। छह मतलब सिक्स।
सात मतलब सवा, आठ मतलब एट, नौ मतलब नाइन और दस मतलब टेन। तो ये है आपका इसका बाल गीत तीन। क्या है बाल गीत तीन? एक बड़े राजा की बेटी दो दिन से बीमार पड़ी, तीन संतरी दौड़े आए, चार दवा की पुड़िया लाए, पांच मिनट में दवा बनाई, छह मिनट में दवा पिलाई, सात मिनट में आंखें खोली, आठ मिनट में राजा से बोली, नौ मिनट में उठकर बैठी, दस मिनट में खा गई, सब बच्चों को गिनती आई। यह बाल गीत और ये नए शब्द और ये गिनती के शब्द। क्या ये गिनती के शब्द? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। हाँ अभी बस ओके। तो ये क्या करना है आपको? ये है आपका क्लास वर्क। क्या है? क्लास वर्क। तो होमवर्क में क्या करना है आपको? यही वन टाइम करना है ओके। होमवर्क वन टाइम, क्लास वर्क वन टाइम लिखना और होमवर्क भी क्या करना है आपको? वन टाइम लिखना ओके। कौन सा ये भी लिखना, ये भी और ये सभी क्या करना है आपको? होमवर्क लिखना है ओके, क्लास वर्क और होमवर्क। तो आज के लिए इतना, कब है आगे का वर्ग हम कल के क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।